वेलकम बैक एवरीबॉडी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2023। स्टार्ट करें, चलिए आज का मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ये है कि रेजोनेंस इन दिस कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहला काम पता है क्या है? सबसे पहला काम आपको मालूम होना चाहिए कि तो रेजोनेंस क्या चीज है और ये कंपाउंड है क्या चीज है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये कंपाउंड क्या है। एक काम करते हैं, पहले अपन रेजोनेंस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? ठीक है ना, रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग कभी कभी पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, इन बेंजीन रिंग। इन बेंजीन रिंग, हालांकि शिफ्टिंग कहीं भी हो सकती है, एक ओपन चेन के अंदर भी हो सकता है जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं? बेंजीन की बात करते हैं, क्योंकि बेंजीन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि एक तो एरोमेटिक होता है, और वो एरोमेटिक इसलिए क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस होता है ना, इसी को ध्यान रखना। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहां पे जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको यहां से अगर मिटा दूं, सपोज मैंने यहां से इसको मिटा दिया, समझना ध्यान से सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैंने यहां से इसको मिटा दिया CH2 को, तो इसको अपन अब क्या बोलेंगे? दिस इज बेंजीन है ना, दिस इज बेंजीन। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाया CH2, ये क्या बन गया? बेंजाइन बन गया, ये बेंजाइल है ना, BENZYL, बेंजाइल बन गया। और जैसे मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव लगाया, ये क्या बन गया? बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन के अंदर रेजोनेंस कैसे होगा? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं करना इसको। तो मैंने इसको दोबारा ऐसे बना लिया, CH2 पॉजिटिव, यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखना, जब भी अपन रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस के अंदर आपको 5 से ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनानी है और नहीं कम बनानी है। मतलब जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिसको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके अंदर आपके जो स्ट्रक्चर होंगे 5 ही होने चाहिए, 1 to 5, दैट्स इट। 1 to 4 भी नहीं और 1 to 6 भी नहीं, ओनली 1 to 5। देखो कैसे, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव जो है माइनस इफेक्ट लगा रहा है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब जिसको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पता, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना, कमेंट कर देना या फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो CH2 पॉजिटिव नेगेटिव आई इफेक्ट लगा रहा है, नेगेटिव आर इफेक्ट, नेगेटिव आई बोल लो, नेगेटिव आर बोल लो, है ना, दोनों तरह के इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है ना, जिनको इन शब्दों का मतलब नहीं पता मुझसे पूछ लेंगे फटाफट। चलिए, तो नेगेटिव आई इफेक्ट लगाने की वजह से, नेगेटिव आर इफेक्ट लगाने की वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, और शिफ्ट होते ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी? डबल बॉन्ड CH2, और पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना, ये बन गया डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचा गया इसमें से, पॉजिटिव आ गया यहां पर, पाई बॉन्ड यहां पे है, पाई बॉन्ड यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये पॉजिटिव कार्बन जो है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच लिया, बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, और जैसे शिफ्ट किया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी? देखिए, डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज, वैसा का वैसा, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव कहां पे आ गया? यहां पर। ठीक है, इसके बाद में वापस इलेक्ट्रॉन खींचेगा पाई बॉन्ड वाले, ये कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, है ना, यह डबल बॉन्ड बन ही गया था, इसको मिला देते हैं, ये अलग से बन गया थोड़ा सा इसको। ठीक है, ये बॉन्ड इधर आ गया, इधर बना दिया अपन ने, और ये प्लस कहां पे आ गया? यहां पे प्लस आ गया। ठीक है, अब ये प्लस वाला जो कार्बन है, अब इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? इस वाले डबल बॉन्ड से, जहां पे पहले डबल बॉन्ड बना था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी आपकी? ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ किधर बताइए? इधर शिफ्ट हो गया, तो CH2 पे अगेन क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो कितना इजी था ये, है ना। तो आपको शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड करना है बस, और हुआ क्या?
बेंजीन के रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर जो पोजीशन थी पाई बॉन्ड्स की वो चेंज हो गई, और क्या हुआ देखो ध्यान से। तो बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना ही हम लोग रेजोनेंस बोल सकते हैं, सिंपल सी बात यह है, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको पूरा बता दिया है, एक बार जरूर ध्यान रखना, जब भी हम लोग रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस के अंदर केवल पांच स्ट्रक्चर बनते हैं, गिनो 1, 2, 3, 4 और 5, ना 5 से ज्यादा बनाना है, 5 से कम बनाना है। बार बार ये चीज मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग गलती करते हो, जितनी मैं कॉपीज चेक करता हूँ, ठीक है ना, इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर या तो 5 से कम कर देंगे, कुछ लोग 2 में खत्म कर देते हैं, ठीक है, कुछ लोग के 10-10 बनते फिर भी खत्म नहीं होते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको केवल 5 स्ट्रक्चर्स ही बनाने हैं, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मैंने ऐसे एग्जांपल देखे हैं जिसके अंदर 5-5, 6-6, 10-10 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने अपनी केमिस्ट्री बना ली है ना। तो हमें केमिस्ट्री बनानी नहीं है, वो जो आप पढ़ाई कर लोगे तब बना लेना, अभी हमको केमिस्ट्री सीखनी है और उसके अनुसार ही हमको क्या करना है, वहां पे बिहेव करना है, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि रेजोनेंस के अंदर 5 स्ट्रक्चर बनी, इन 5 स्ट्रक्चर्स में से ये जो 3 स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये काफी ज्यादा क्रूशियल स्ट्रक्चर्स होती है और इन स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को एक नाम दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, याद है किसी को, रिकॉल कर पा रहा है कोई, इन तीनों स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज इंटरमीडिएटरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडिएटरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये आपका सब पूरा हो गया, मिथाइल सॉरी बेंजाइल कार्बोकेटायन के अंदर रेजोनेंस किस तरह से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना कि ये जो आपका स्पीशीज है CH2 पॉजिटिव, ये 2 तरह के इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। क्लास 11 का टॉपिक्स है, आपको पता होना चाहिए, और ये टॉपिक जो रेजोनेंस है ये भी क्लास 11 का ही है। तो आज मैंने क्लास 11 का आपको 1, 2, 3 और 4 4 से 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते भी रहिए मेरे से, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है। इसके अलावा आपको रिवाइज करते रहना है, ऑल द बेस्ट।